When you look at the cover, what's the first thought that comes to your mind when you look at this side of the cover? This side is very good. And what is your relation with Kangana Ranaut currently? What is it like? It's all legal. I'm fighting a legal battle with her. Okay. And supposedly if Kangana Ranaut walks into this room, what would you tell her? I'll tell her, Namaste Queen. हमें माफ कर दो। आदित्य, आपको क्या लगता है कवर पेज पे कंगना और ऋतिक की पिक्चर है, आप इसमें आप इसको अनवील कर रहे हैं, आपने ये चीज़ क्यों डिसाइड की कि आपको करना चाहिए? ऑर्डर है बॉस का। और उसके अलावा जो why did he give the interview? No, why am I? Why is he unveiling this? Unveiling the. Oh, because as I said, the major story is given by him. No, as per Aditya, what do you think about it? I think it's very important for the people to know and for the audience and the public to know what is the real fact and how one single person can ruin so many families at one time just to promote a movie or promote herself, and it's high time we have to stand for the truth. लेकिन आदित्य, ये इंटरव्यू कंगना ने जो दिया था उसे दिए हुए काफी टाइम हो गया, बीच में आपने पूरी चुप्पी साध ली थी, आप कुछ नहीं? कहाँ, किसने चुप्पी साधी? मैं अकेला ही आदमी था जो बात कर रहा था, बाकी सब चुप थे, सब छुप रहे थे, मैं ही बात कर रहा था। मैंने तो लीगल केस भी किया है, डिफेमेशन केस किया है कंगना के ऊपर और उनकी बहन रंगोली के ऊपर। तो कंगना ने जो आप पे बहुत सारे एलिगेशंस जो लगाए हैं उन्होंने कंटिन्यूअसली, इसकी सच्चाई हम जानना चाहेंगे, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? उसमें से नहीं, वो तो बहुत लंबी स्टोरी है, 15 साल पुरानी स्टोरी है, अब उसको यहाँ बोलना भी ठीक नहीं रहेगा और केस भी सब जुडिस है, इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते इसके बारे में। बट कंगना ने बहुत पहले, जैसे कि आपने कहा कि बहुत पहले 15 साल पहले की बात है, तो अभी ये मुद्दा उठाने की क्या जरूरत थी कंगना को? वो तो कंगना ही बता सकती है। आप क्या सोचते हैं? मैं तो सोचता हूँ कि ये चीज़ें तो प्रमोट सिमरन, वो सिमरन की वजह से की। देखिए, अगर ऐसा ही करने से फिल्म चलती तो फिर फिल्म में सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या होती, स्टार्स की ज़रूरत क्या होती, म्यूज़िक की ज़रूरत क्या होती? फिल्म ऐसे नहीं चलती, फिल्म की वजह से चलती है। तो आपका कहने का मतलब है उन्होंने ऋतिक को भी सॉफ्ट टारगेट बनाया ये अपने पिक्चर को प्रमोट करने के लिए? सबको, पूरी इंडस्ट्री को, ऋतिक को, मेरे को, अवार्ड्स को, वुमेन्स कमीशन को, किसको छोड़ा ये बताइए आप? प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, करण जौहर को, नेपोटिज्म को। उसको तो नेपोटिज्म की बात करने का हक ही नहीं है। मैं तो ये पूछता हूँ कि उसने अपनी लाइफ में कोई भी एक ऑडिशन दिया हो गैंगस्टर से पहले तो वो बता दे पब्लिक को, हम उसकी बात को यकीन करेंगे। आपको लगता है कि उन्होंने जो भी अब तक स्टेटमेंट्स दिए हैं कई लोगों के खिलाफ, तो अब जो है फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों ने थोड़ा साइडलाइन करके चलते हैं और कई लोगों के नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, जो भी किया है उसने अपने आप किया है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि उसने ये किया। इस इंडस्ट्री में सर्वे के हिसाब से लोग रोज़ 8000 लड़कियाँ और लड़के एक्टर्स बनने के लिए बॉम्बे में आते हैं, उनमें से एक बनता है, ठीक है? साल में कितने होते हैं? 8000 अगर रोज़ होते सर्वे के मुताबिक, मुझे पक्की नॉलेज नहीं है। इतना अच्छा सब कुछ होने के बावजूद उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है। बिकॉज़ जब वो स्ट्रगल कर रही थी, जब वो नई आई थी, मैंने उस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है। तो उस चीज़ को उसने एक ही झटके में, उसने एक ही मोमेंट में उसने ख़त्म कर दिया। बहुत दुख की बात है। क्या इस बारे में आप? This is one topic which was the hot topic when it had come news. It had died down after a while. But why is it that it's only this topic and this controversy that is resurfacing again and again when the media was not even talking about it? It has again come on. Again when? Now today? Yes, not today, but off late. Not off late. It just it's not yet. It never died down. It's always there. And people can't, in the whole world, they can't just keep on talking about Kangana Ranaut. They have better things to do. But now whenever it comes up and the whole story comes up. You understand? So is there something more to it that we do not know? There is nothing more to it. Only she knows what's more to it. So talking about your legal case which you have filed, उसकी क्या proceedings है? क्या कैसे आगे बढ़ रहा है? नहीं, अभी केस हमने अभी फाइल किया है, नेक्स्ट डेट 21 दिसंबर को है। मेरी वाइफ और मैंने कंगना रनौत और रंगोली के ऊपर केस फाइल किया है। क्योंकि उसने मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ बहुत चीज़ें हैं जो झूठ है वो बोली है। नाउ द ओनस इज़ ऑन हर, ठीक है, ओनस उन पे है कि जो उन्होंने बोला है उस दो इंटरव्यू में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसके इंटरव्यू में, उन दो इंटरव्यूज़ में उसने जो कहा है उसको, वो सच है, उसको साबित करना अब ओनस उन पे है, दारो मदार उन पर है। How much has all that affected you personally and your family? I lost 5 kgs. No, it's not a joke, you know. I'll tell you one incident. जिस दिन एक इनका इंटरव्यू आया था, उसके नेक्स्ट डे मेरे घर के सामने नाना नानी पार्क है वर्सोवा में, 7 बंगलोज में, मैं और मेरे दोस्त का बेटा रिक्की, हम दोनों यहाँ वहाँ वॉक करने गए थे, और वहाँ 5-6, 26-27 साल के लड़के जो दे वर डूइंग देयर वर्कआउट्स एंड वो अपना मार्शल आर्ट्स कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो जैसे हमने उनको क्रॉस किया, वो हमको देखकर कुछ आपस में बात करने लगे। तो मैंने फर्स्ट राउंड लिया तो उन्होंने बात किया, सेकंड राउंड लिया तब भी उन्होंने हमको देखकर कुछ, जैसे कि वो देखो वो जा रहा है, देखो वो आदित्य पंचोली जिसने कंगना रनौत को क्या किया था, हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था, ये जो भी आपस में बात कर रहे हो, बहुत बुरा लगता है। थर्ड राउंड में मैंने रुककर उनसे पूछा, आप लोग क्या बात कर रहे हो? बोला नहीं, हम तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं चुप रहता तो ज़िंदगी भर मुझे ऐसे ही सर झुका कर ज़िंदगी भर चलना पड़ता, जो वो मैं नहीं चाहता हूँ। क्या इस दुनिया में किसी को हेल्प करना गलत बात है? वो नेशनल टीवी पर आके कहती है कि मैं दुनिया, इस देश की लड़कियों को कहती हूँ कि कभी यहाँ मत आना, यहाँ पर हैवान है और यहाँ पर शैतान है, तो बाकी की हीरोइंस यहाँ आके अपने आप ही हीरोइंस बन गई। यही एक लड़की है जिसने स्ट्रगल किया। क्या स्ट्रगल किया बताओ, क्या स्ट्रगल किया? कोई नहीं। देखो, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए कि तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम क्या हो, तुमने क्या क्या किया है। वो डायलॉग है राजकुमार साहब का, जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं, सुना है आपने? ओके, हाँ। I have this one question. You mentioned earlier that there were two journalists who kept citing Kangana Ranaut in the interviews that she gave, and obviously we do know which journalists you're talking about. Do you think the media played a very big role in citing Kangana totally because she was a feminist card and all? And until Arnav's interview with Hrithik Roshan came about, everybody was thinking yes, she's the right doer and all of that. See, you can't blame. The media plays a role. No, see, you can't blame the media. If you give media some matter, some stuff which is sensational, they're always going to play it, and today, especially today, I've seen when the best thing was a scoop in Stardust magazine, and that was the biggest thing, scoop of the month. That was the only thing कि अरे आदित्य पंचोली का और XYZ का अफेयर है and whatever. Okay, आजकल तो इतना मीडिया हो गया, मीडिया के बीच में इतना कंपटीशन है, everyone wants to be first. So it's not media's fault. It is the person who is giving media the wrong information. That person's fault. अच्छा आदित्य, इसके अलावा कंगना के अलावा आपको recently आपने एक और FIR दर्ज की थी जिसमें कि आपको extortion के लिए कोई, हाँ, मुझे कुछ मैसेजेस आए थे, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ मैसेजेस थे कि 25 लाख दो वरना जान से मार देंगे, तो मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। And everything has its pros and cons. Do you think somewhere all this is affecting Suraj's career? No, Suraj got nothing to do with him. What? Why would this affect Suraj's career? That's nothing got to do with this. Suraj is out of it. In fact, he went off the Twitter because of this. And see, you can't drag family and children into it. It's not fair. Aditya, are you talking to Hrithik since you're both on the opposite side of Kangana? Talking to Hrithik? No, I haven't met him. Yeah, I hardly know him. I know him, very, You never spoke to him. No. He didn't call him. No. Aditya, इस बीच कई actors ने casting, जो film industry में casting couch compromises, sexual harassment को लेकर बात करी है। आपको क्या लगता है film industry में कितने हद तक exist करती है? देखो, film industry क्या हर industry में exist करती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, जब से दुनिया बनी है, वो बोलते ना फॉरबिडन एप्पल, एप्पल नहीं खाना चाहिए था, मगर एप्पल खा लिया, अब क्या करें। ठीक है, हर फील्ड में, आप किसी भी इंडस्ट्री में, जस्ट बिकॉज हमारी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा लाइमलाइट में रहती है और लोगों को इसके बारे में सुनने में, पढ़ने में बहुत रुचि रहती है, इसलिए लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, मैं किसी इंडस्ट्री का नाम नहीं लेता हूँ, हर इंडस्ट्री में ये है। बट इट डिपेंड्स यू नो ऑन द गर्ल और ऑन द गाय। समटाइम्स द गर्ल ऑल्सो अप्रोचेज द गाय, you know, it's not always the guy who approaches the girl, it's mutual and it is never there कि हाँ तुमको ये करना पड़ेगा तो ये होगा। हमने तो मैंने तो 33 years में ऐसा नहीं देखा, ना ऐसा कभी किया है और ना मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है। Yes, the facts are here. The facts no one has known before are all here, okay, and the world should know. World should know, you know. तुमको इस इंडस्ट्री ने इतना दिया है, तुमको तो you should be thankful to God and you know be nice to people and try to help people instead of running, you know, seniors and producers and directors and the film fraternity. You know, what? Who are you? Who are you? You are nobody. You are a okay actor. इससे अच्छे एक्टर इसमें आते हैं। इंडियन आइडल देखा है आपने? सारे गामा पा, सारे गामा पा वो होता है ना, उसमें वो छोटा भगवान है ना, इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर। सो एक्टर अच्छा होने का ये मतलब थोड़ी है कि आप दुनिया की बैंड बजा दोगे। इट्स नॉट डन।